बीएससी की छात्रा ने लगाया परेशान करने का आरोप, एसएसपी से की मुजलिम की गिरफ्तारी की मांग। बरेली साक्षी सक्सेना पुत्री मनोज कुमार सक्सेना निवासी फेज 2 बीडीए कॉलोनी की और बरेली कॉलेज की बीएससी की छात्रा साक्षी ने थाना जदनगर में 9 जुलाई की मयंग उर्फ गोलू के खिलाफ एक मुकदमा थाना जदनगर में दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक गोलू को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। और गोलू के पिता संजीव कुमार साक्षी के परिवार वालों पर समझौते का दबाव बना रहे हैं और समझौते न करने पर धमकी दे रहे हैं। साक्षी ने गोलू की गिरफ्तारी और न्याय की मांग की है। मेरा नाम नंदकिशोर शर्मा। इनका मामला ये है, रवि कुमार डाडा भद्रसेन उर्फ भद्रसेन, तो इनका इनके ससुराल वालों ने यानी कि सोरहा में इनकी ससुराल थी, करीब 4 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद में लगातार उस लड़की के बयान यही थे, यही लड़की कहती थी कि मेरी शादी कहाँ गलत जगह कर दी, मैं दूसरी लव मैरिज करना चाहती थी और वो मुझे नहीं करने दी, मेरे बाप ने मेरे साथ गलत करा, और उसको परेशान करती रही। हालांकि उसके 2 बच्चे भी हैं, 1-2 साल का बच्चा, 2 या 2.5 साल का लड़का है, और बाकी जो है एक लड़की है वो 6 माह की है। तो उसे मतलब परेशान बहुत किया गया, वो ससुराल गया तो ससुराल वालों ने उसे जूता चप्पल से उसे मारा भी था। मारने के बाद में उसे आके रात में आके जहर खा लिया। माँ बाप सो रहे थे, लड़का मतलब और भी हैं, 2 लड़के हैं, ब्रज हैं और देवपाल हैं, वो घर पे नहीं थे, नौकरी नेपाल करते, नेपाल में ही रहते थे। उसके बाद में जब वो आया घर पे तो मतलब उससे पूछा कि ला बड़ा उदास हो, क्या बात है। उसके बाद में इन्होंने कहा था, बोले कि देवपाल मतलब रवि भद्रसेन ने कहा था, बोले कि आज मुझे मतलब जो है मम्मी पापा मुझे बहुत दुखी करा है, बहुत दुखी करा ससुराल वालों ने, मुझे मारा भी है, जूता चप्पलों से मारा है और बहुत परेशान किया है। इसके बाद में उसने रात में ही जहर खाया था, ये बाद में बताया था, जहर पहले खा लिया था। उसकी बीवी ने नहलाया धुलाती रही, पलटी करवाती रही, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में उसे बताया तो मम्मी पापा ने ये बात पूछी थी। उसके बाद एसआरएम में अस्पताल में यानी कि भोजीपुरा भर्ती करा दिया। भर्ती कराने के बाद में वो वहाँ जाके सुबह को एक्सपायर हो गया, करीब 12-1 बजे भर्ती कराया रात में। उसके बाद वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद में वो वहाँ से अंतिम संस्कार के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है, सारी चीज़ वहाँ पर मौजूद है। थाने में जा रहे हैं तो थाने में जाने के बाद में साहब रिपोर्ट देते हैं तो उसमें सरल रूप से लिखी हुई है कि उसे पीड़ित किया गया, पीड़ित के बाद में उसने जहर खाया। जहर की तब भी दरोगा जी वहाँ पे यानी कि थाने में नहीं सुनवाई हुई, तो एसएसपी साहब के आज यहाँ पे आए हैं, एक बार और आए हैं, यानी कि तारीख 2 तारीख किसको दोषी मानते हैं? दोषी उनके ससुरालिया रवि यानी भद्रसेन के ससुरालिया हैं, ससुरालिया और उसकी बीवी, इन लोगों ने झगड़ा किया था। 2 तारीख में एसएसपी साहब से मिले थे ये लोग, मम्मी पापा इनके, देवपाल भांजे यानी कि बड़े वाले लड़का इनके, इनने मुलाकात की थी और साहब ने ये बोला था, एसएसपी साहब बोले कि दोबारा में कोई कार्रवाई नहीं होती तो दोबारा मैं बताना, आज जब आए तब तक एसएसपी साहब उठ गए। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।